फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमए कोर्स में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल में से मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में से स्टेशन नंबर 7 के बारे में। ओके, यहाँ पे कौन से नई न्यू फॉर्मूला है उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एट डिजायर सेल्स, उसके फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड इन टू पी वी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम में ही बताया था कि भाई हम यदि आप एक ही फॉर्मूला रिमेम्बर रख लीजिए, यदि सेल्स के रखने वाले हैं या फिर पी वी रेशियो के या फिर प्रॉफिट के या फिर फिक्स कॉस्ट के, तो आप रिमेनिंग थ्री फॉर्मूला आप रिमेम्बर रख सकते हैं। ओके, चलिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे उसकी भी फॉर्मूला लिखी हुई कि भाई सेल्स इंटू 100 माइनस पी वी रेशियो। ओके, चलिए अब हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको 2 ईयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2014 एंड 15 के लिए सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि भाई पी वी रेशियो की न्यू वाली फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे भाई चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है 5000 का एंड सेल्स में कितना चेंज हुआ है 20000 का। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको पी वी रेशियो मिल गया है 25%। ओके, चलिए इसके आगे आपको क्या फाइंड आउट करना है, बीईपी। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि भी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट हमको चाहिए। ओके, तो उसकी फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ओके, तो हमारे पास हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई हम यहाँ पे सेल्स कौन सा वाला लेंगे कि भाई फर्स्ट ईयर का, तो वो है 1,50,000, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से एंड लेस कर देंगे 20,000 बेस ईयर का प्रॉफिट से। ओके, तो हमको फिक्स कॉस्ट मिल गया है 17,500। ओके, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से, वो भी हमने फाइंड आउट किया है, तो हमको बीईपी की अमाउंट मिल जाएगी, वो आई है 70,000। ओके, चलिए इसके आगे हमको क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 40,000 एंड फाइंड आउट करना है सेल्स। ओके, तो यहाँ पे उसके भी फॉर्मूला पुट कर देते कि भाई फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, तो हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट किया है 70,500, डिजायर्ड प्रॉफिट की अमाउंट हमको दी हुई है 40,000, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 25% से। ओके, ये हमारे पास जो कुछ भी पीवी रेशियो है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको सेल्स की अमाउंट मिल जाएगी, वो आएगी 2,30,000। ओके, यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक इनटू लिख दिया है कि भी मल्टीप्लाई कर दिया है 25% से, आपको डिवाइड करना है। ओके, चलिए इसके आगे अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको सेल्स की अमाउंट दी हुई 2,50,000। ओके, तो चलिए उसकी भी फॉर्मूला हम पुट कर देते, यहाँ पे हम उसकी फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाई पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, तो हमको यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,50,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25% पीवी रेशियो से एंड उसमें से लेस करेंगे 70,500 फिक्स कॉस्ट, तो हमको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, वो आया है 45,000 रुपीज़। ओके, चलिए इसके आगे हमको फोर्थ पॉइंट में, सॉरी फिफ्थ पॉइंट में क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है कि भाई हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपीज़। ओके, तो चलिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 50,000 है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 25%, ये हमारे पास फिक्स सॉरी पीवी रेशियो है, तो हमको क्या मिल जाएगा, वो आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, वो आएगी 2,00,000 रुपीज़। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हमको 2 टर्म्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हमको 2014 के लिए फाइंड आउट करना है एंड 2015 के लिए वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे प्रिपेयर की हुई कि भाई सेल्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे
100 माइनस पीवी रेशियो से। ओके, यहाँ पे हमारे पास पीवी रेशियो कितना है कि भाई 25% है। ओके, तो 100 में से 25% लेस करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे, 75%। ओके, एंड 2014 का सेल्स है हमारे पास 1,50,000। ओके, तो 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 75% से तो हमको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा 1,12,500। ओके, तो आप इस प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2015 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आप दूसरी तरह से भी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट है उसको लेस करेंगे और उसमें से प्रॉफिट भी लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, तो आप दोनों तरह से वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से लेस्टेशन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना है। मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।